हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सभी लोग आए हो। आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि देख सकते हैं हम कामों में कितना व्यस्त हैं। और इधर का लोकेशन आपको दिखाते हैं। खाली मैं बता दूं कि मैं अपने मामा के घर पे आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। मैं सोची सुबह से ब्लॉग बनाने के लिए नहीं बना पाई, मन नहीं किया क्योंकि बहुत टेंशन था मुझे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ खेत में, शाम का मौसम हो चुका है और देखिए इधर कितना अच्छा। अभी तो बारिश का मौसम है, धान वान बकायदा हुआ गया है, छोटा छोटा जम भी गया है। और इसमें देखो आप लोग मिर्चा, और इधर हमारी दोनों मामियाँ हैं जिन्हें कि क्या ही मिलवाएं हम लोग, बहुत सारा माती तो वीडियो में ना ले सकते हैं, आएंगे नहीं अपना काम नहीं। बस एक छोटी है, बारिश सभी आ गया, पर इससे तो बारिश भी रहा। इधर आओ, इधर हम छोटी को दिखाते हैं। गन्ना के भी कर लेना चाहिए। अब ये देखो ये क्या है, अरे इसका नाम भूल गया है, यूरिया। थंबनेल पे लगाने के लिए ऐसे थंबनेल पे किया जाता है, देखिएगा। बहुत अच्छा अच्छा लिया मैंने फोटो। अब मैंने थोड़ा इसको पेड़ में डाल दी, अब खुरपी करने की बारी। कुछ काम भी करना चाहिए, खाली वीडियो नहीं बनाना चाहिए। गाइस देख सकते हैं हम लोग आ गए अभी यहाँ खास, मतलब गांव में। हाय खेती बाड़ी करना गांव, ये हरियाली, ये देखो ये क्या है, भुट्टा। ये भुट्टा है गाइस, और ये हमारा है विशाल। अच्छा अपना नाम बताओ, एक और नाम है, क्या क्या नाम है? तो कैसे मुंह बना रहा है, बोलो लोगों से हाय, बोलो जाओ। तुम अब नहीं, अब तुमको तो नहीं लेंगे वीडियो में, अब कुछ नहीं लेते हो। और छोटी गुलाब, तो गुलाब वो सुंदर लगती है, फोटो ले लेंगे। फोटो पर गुलाब ना दिखे तेरे कान पे, तब ना दिखे मेरे बुआ छोड़ जाता हूँ। गुड्डा वाला हट, किसी या मिल फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए, पत्र है गरीब का, जवाब दे दीजिए। जैसे भुट्टा खाना आप लोग आ जाए, देखो भुट्टा इधर फरा भी है, आपको दिखाते हैं। बहुत सारा भुट्टा फरा है और इसमें घास है, तो घास भी निकाला जा रहा है। मामी तो निकाल रही है, हम वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, मेरा क्या काम है। और थोड़ा बच्चे मुझे समझ आ रहा, थोड़ा बहुत कर ही दे। यहाँ पे हम कई वर्षों तक रहे हैं गाइस, तो यादें जुड़ी हैं बहुत लंबी। जो मेरा हर वीडियो देखते आ रहे हैं उनको पता होगा, अगले ईयर्स भी मैं यहाँ पे आके मामा घर वीडियो बनाई थी, ब्लॉग बनाई थी जब घूमने में आई थी, और अभी भी मैं घूमने आई हूँ, लंबे टाइम तक रहने वाली हूँ। और इस मौसम का और इस गांव का माहौल, कैसे गांव में काम होते हैं, रोज का डेली का क्या है, सब कुछ आपको दिखाएंगे।
और कुछ इधर बीच एंटरटेनमेंट वाला और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं और आगे देखते शाम तक क्या क्या होता है। गाइस देख सकते हैं हमारा विशाल, ये रोना लड़का है, कैसे रो रहा है। हम लोग का काम कंप्लीट हो चुका है और अब जा रहे हैं भूतनी बन जाएंगे बालों से तो। पूरे 2 घंटे या फिर 3 घंटे आज काम हुआ है, सब गुजारा है इसे। और एक कॉमेडी अपने ए विशाल, विशाल इतनी छोटी बोली है, तुम्हारी मैम क्या बोली है? क्या बोली है एक बार सुना, बन जाए कलवा फिर तो सुना, तुम सुना सुना का सुनाई क्या बोली बोलो बोलो क्या बोली है क्या बोली है तुम्हारी मैम, जल्दी बताओ। कहनी है कि जलवा खाए कलवा। तो गाइस इसकी मैम बताइए ना, ये आज टिफिन में हलवा लेके गया था, जो हलवा खाएगा वो कलवा हो जाएगा। तो आप लोग अंदाज़ हलवा खाओगे? इसकी मैम का यही नॉलेज है भाई, ये तो कॉमेडियन हो गया फिलहाल, कि जैसे कॉमेडी बनाते हैं, अगर हमारा कोई कॉमेडी देखे इस वीडियो तो ये वीडियो वायरल हो सकता है, इस पर कुछ बन सकता है फिलहाल मस्ती के लिए। और अभी घर पहुँचने वाले हम, घर क्या खेत पे, वो गाना याद आ रहा है ना, जन मारे जान मरून कलर सड़िया। ये गाइस खेत पे का एक घर है जहाँ पे सारा खेती करने के लिए सारा सिस्टम यहाँ पे है, और घर और जगह पे है, दूर है बहुत। और यहाँ देखो क्या क्या चीज़ है, देखो गाइस हाँ, और ये देखो आगे से दिखाते हैं आपको। ये है डॉगी, भागे दम से मामा का ना वो न करिया एकदम सिल्की को डॉगी टोनी। ओ हाथ मिला, अच्छा हाथ मिला, हाथ मिला, हाथ मिला, मिला 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 खाएगा ना, हाथ मिला एक थी, हाथ मिला। अरे दीदी आए काटिंग नहीं रही, पीछे पीछे हम तो देर हाथ पीना ही बगल, हाथ मिला। और हालचाल, हाउ आर यू टोनी, हाउ आर यू, बोला आई एम फाइन ना, तू मुहिम नहीं, मुहिम नहीं, मुहिम नहीं, डर लगा था। अरे पागल, दूर चल, दूर चल, दूर चल, दूर चल हमसे गाइस। कि जब से हम आए बहुत हमसे बहसिया रहा है, इसे खेलने को चाह रहा है, फिलहाल इससे पहली बार हम मिले हैं फिर भी, और मेरे वीडियो में भी बहुत साथ दिया है, शॉर्ट वीडियो आप लोग जाओ शॉर्ट वीडियो देखो, बहुत मज़ा आएगा। इसने क्या एक्टिंग किया है, वैसे तो आम इंसान भी ना करे एक्टिंग, जो ये डॉगी ने किया है ऐसा एक्टिंग मेरे वीडियो में। काटे मत यार, नहीं तो फिटनेस का सुई लगाए पड़ी जी हमें। क्या मांगा था हमसे? ना ना नया लोग से काम मांगे, पुराना लोग से मांगे थे, अब तू एक बस दिया हमने एंकर हेल्प पे। ए विशाल, विशाल क्या कर रहे हो? ये इसकी मैम सिखाती है जाके मिट्टी बालू जाके खेले। तो गाइस दुनिया के किस मंजिल पे हम पहुंच गए हैं,
जहाँ से पूरा संसार ही हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये देखो मैं अभी छत पे आ गई हूँ, और ये इसको क्या बोलते हैं यार, सारा नाम ही भूल जा रहे हैं हम फिलहाल, इसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे ना? तो एक तो फोटोस इधर से भी बनते हैं, अच्छे नहीं आ रहे। नानी मेरी नीचे है, चिल्लाए नहीं लगेंगे देखेंगी तो। हाय हाय हाय, क्या सुकून मिल रहा है गाइस खेत में काम करके। आप ये मत सोचो खुशबू मिर्जापुरिया सब कुछ कर सकती है, ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। फिलहाल ये बदन टूट रहे हैं मेरे काम करने से। लोग आते हैं घूमने, एक सच्चाई बताऊं, घूमने के साथ काम भी करना पड़ता है यार, जिससे थोड़ा मज़ा आता है काम करके सबके साथ में। फोटो लेते हैं थंबनेल बनाने के लिए। ओह माय गॉड, आई टूटा कमन मेरा। और इसके नीचे हमारे मामा खटिया लगा के सोते हैं, इतना जगह है पूरा नीचे सोना। और इधर सब कोई अभी खेत में काम कर रहे हैं, हम थोड़ा सा एंजॉय के लिए छत पे आ गए हैं। ऐसे यहाँ पे इतना अच्छा हवा बह रहा है, चारों तरफ कोई घर नहीं, सिर्फ हवा ही हवा है, वायु वायु। अब मैं दोपहर में आऊँगी इसी जगह पे सोऊंगी, घर के घर बहुत गर्म लगता है, हवा नहीं आ पाती पैक पैक में। और यहाँ पे रील बनाया जाएगा, भले यहाँ छत पे से कहे नहीं गिर जाए, अभी छोर पे खड़े हैं हम, आत्महत्या कर लें क्या यार, आत्महत्या कर लें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो बिना स्किप किए तो जल्दी से लाइक कमेंट करो। और मुझे खेत में ऐसा लग रहा है पानी भरा पर सूखा खेत है। और कुछ यादें हमारे त्याचा, आज होने वाली थी शाम को अपने फ्रेंड से मिलने वाली थी मैं, लेकिन इधर आ गई तो फिर कल जाएंगे मिलने, हो सके तो अगली बार मैं मिलने गई थी तो बनाई थी उसके साथ भी ब्लॉग। इस बार सोच रही हूँ बनाऊँ कि ना बनाऊँ, बहुत कंफ्यूज हूँ, आप लोग कमेंट करना कि बनाएं कि ना बनाएं। रील भी मैंने बनाया तो जल के रील भी देखो आप यहाँ का। आज हम मरब सुसाइड, विशाल सुसाइड। विशाल बेचारा भी सोच रहा है ना कि कैसे सीढ़ी चढ़े, क्योंकि सीढ़ी बहुत लंबा है और यहाँ से फिर चढ़ नहीं पाएगा ऊपर तो गिरेगा, हाथ गोड़ टूट जाएगा इसका ना। आओगे क्या? ना ना आओगे? अच्छे से बोलो हाँ तब लाएंगे, मुंह में थोड़ी हाथ डाल के जाम नहीं लाएंगे। इधर छोटी देखिए हमारी काम कर रही, बड़ा मेहनती लड़की है, बस दुपट्टा ले लेके। और इधर मेरी नानी है, मामी हैं, भैया आज तो बहुत सब ने काम किया, एक मामी मेरी दिख ही नहीं रही हूँ उधर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घास को लेने, तो बने रहिए ब्लॉग में, बहुत ही मज़ा आने वाला है, हम तो बहुत ही इंजॉय से काम कर रहे हैं। अब मैंने दिया है चद्दर को बिछाए, अब इस पे जितने भी घास है मैंने रखूँगी, और बाकी लोग घास को निकाल रहे हैं। भाई गाय हैं बहुत सारी यहाँ पे, तो उसके लिए तो घास करना ही पड़ेगा। जो लोग जिसके पास गाय होगा उसको पता ही होगा, गाय भैंस तो मैं देखो कैसे फटाफट रखती हूँ भाई। और मेरी छोटी भी रख रही है फुल एनर्जी से, हम लोग में देखो कैसे भी लड़ाई करती हूँ मैं इससे। तो गाइस हमारे और छोटी में हो गया है कंपटीशन कि कौन सबसे जल्दी का घास रखने वाला है, और इससे क्या होगा काम जल्दी होगा। आप भी ये ट्रिक अपनाया करो चैलेंज वगैरह लगाने से। और भी देखो मैं इसको कैसे इसमें बांध के ले जाती हूँ घर पे, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बस आप लोग बने रहो और देखते रहो, और जब गुस्सा आ रहा है कि मैं बहुत रख रही हूँ कम ही रख रही है, आप देखना उसको, कहते चलो इसे बांध के ले चलूँ मैं, और रोने लगती है। खेत का बूढ़ा है बहुत ही, मतलब मार्केट में ये देखिए टेस्ट इसका जैसे ब्रश कर रहा है। तीन बच्चे
हम भी बच्चे हैं। तू बच्चा नहीं है? बच्चा नहीं। बोला देखो। अच्छा लग रहा है खेत का, ज्यादा ज्यादा मार्केट का नहीं।